It sound right, boy. टीवी के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के टप्पू उर्फ भव्य गांधी तो आप सबको याद होंगे। इन्होंने इस शो के अंदर 8 साल तक टप्पू का किरदार निभाया, घर घर में इसी नाम से अपनी खास पहचान बनाई है। ये शो आज भी लोगों के बीच काफी मशहूर है। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अगर कोई मशहूर हुआ तो वो पूरी तरह से टप्पू सेना है। भव्य गांधी ने पूरे 8 साल तक टप्पू बनकर दर्शकों का मनोरंजन किया है। उन्होंने अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीता है, लेकिन 8 साल के बाद एक्टर का टीवी से मन उब गया और उन्होंने फिल्में करने का प्लान किया। भव्य ने यह शो अपने कैरियर की पीक पर आने के बाद छोड़ा। इतने लंबे समय तक किसी किरदार में खुद को इस तरह से ढाल लेना बहुत ही बड़ी बात होती है। अचानक से इस शो को अलविदा कहने का फैसला टप्पू ने जब किया तो फैन नाराज हो गए, लेकिन जब उन्होंने गुजराती फिल्मों में आने की घोषणा की तो उन सब के लिए ये किसी सरप्राइज से कम नहीं था। आपको बता दें कि भव्य ने पापा तामने नहीं समझाए और बहू ने विचार जैसी फिल्मों में काम किया। दोनों ही फिल्मों को गुजरात में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आजकल लॉकडाउन की वजह से वो शूटिंग से ब्रेक लेकर घर में फैमिली के संग अपना वक्त बिता रहे हैं, लेकिन जल्द ही भव्य अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स की घोषणा करेंगे। मालूम हो रहा है कि भव्य गांधी की सभी के साथ बेहतरीन ब्रांडिंग देखने को मिलती है। वह सेट पर तो सभी के साथ मस्ती करते नजर आते हैं, इसके अलावा शूटिंग के वक्त भी उनका अलग स्वैग देखने को मिलता है। उसका मुंह से फूंक मारकर बाल उड़ाने का अंदाज आज भी उनके फैंस के मन में ताजा है। वैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बाद भव्य गांधी ने पिछले साल सीरियल शादी के सियापे के जरिए छोटे पर्दे पर वापसी की थी, लेकिन ना तो उस सीरियल को ज्यादा पसंद किया गया और ना ही भव्य के किरदार को। भव्य इस समय अपना पूरा ध्यान गुजराती फिल्मों की तरफ लगा रहे हैं। और आपको बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को आज भी फैंस दिल से पसंद करते हैं और नए टप्पू को भी इस शो के अंदर काफी पसंद किया जा रहा है। बॉलीवुड और छोटे पर्दे की और तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। अगली खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। It sound right, boy.